Hello traders, welcome to Aliceblue. मैं ओटी पेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका पिवट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज एंड क्रूड ऑयल मार्केट कैसे रिसर्च किया जाता है, कहाँ एंटी करना है, कहाँ एग्जिट होना है, तो उसका ऊपर बात करेंगे। अगर आप नया व्यूअर है तो ये लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि हम रोज मार्केट का ऊपर रिसर्च करके अपडेट देता है। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट है और क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 5591, R1 5725, R2 5803 एंड R3 5937, S1 5513, S2 5379 एंड S3 5310। और ये आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल, जैसे कल वीडियो में हमने बताया था, कल एक्जैक्टली मार्केट यहाँ पे था, जो मैंने ट्रेंड ड्रॉ करके आपको दिखाया था, ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे एक वीक रेजिस्टेंट था, लास्ट पॉइंट नहीं है, ये अप ट्रेंड था, तो मैंने यहाँ पे बताया था क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लाइन बना हुआ था स्ट्रांगली, और मैंने बताया था आपको इसको रिट्रेसमेंट करेंगे नियर टू 50 मूविंग एवरेज तक। तो आप देख सकते हैं कल ये रिट्रेसमेंट दिया और उसका बाद ये मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये मार्केट क्या होने वाला है। तो मैंने ये वीकली चार्ट लिया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वीकली नहीं तो मंथली का चार्ट लेना पड़ता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैंने फिबोनाची डाला तो यहाँ पे आपको 161 जो रेजिस्टेंस था उसको तो ब्रेकआउट कर लिया। अभी नेक्स्ट टारगेट दिखा रहा है अराउंड 261, तो ये तो बहुत डिस्टेंस में है, तो इसका पहले हमें ये रेजिस्टेंस निकाल लिया एक, ये जो पहले लोअर पॉइंट था इसका ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, सो ऑलमोस्ट उसका आसपास ही है। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ दिया अराउंड 5595 लेवल, और अभी देखेंगे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं जितना रेजिस्टेंस लाइन मैंने डाला था उसका तो क्रॉस कर लिया। तो आज मार्केट नेक्स्ट टारगेट दिखा रहा है 5786। तो अगर 4 आवर में देखें तो आप 4 आवर में देख सकते हैं, ये 4 आवर चार्ट है, यहाँ पे नया रेंज किया बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और नया जो रेंज है वो भी अराउंड आपका आप देख सकते हैं अराउंड 5786 का आसपास ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो छोटा टाइम फ्रेम में अभी देखेंगे मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करने वाला है या वहां तक जाने वाला है। तो छोटा अगर ये तो फुल्ली स्ट्रांगली आप देख डे में देखेंगे तो डे में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, 4 आवर में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, लेकिन 30 मिनट में अभी इसमें एक रिट्रेसमेंट का थोड़ा टाइम तो आ रहा है मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन फिर से मॉर्निंग टाइम, और यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लाइन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और ये जो अप ट्रेंड चैनल है, जैसे ये चैनल मैंने ड्रॉ किया, ये चैनल यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे सकता है क्योंकि एक सपोर्टिंग लेवल है 559, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना ही चाहिए। तो अगर 5 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे ये तो जितना रिट्रेसमेंट किया था 5 मिनट में, ये स्टोर स्टिक तो अभी बाय करने के लिए बोला, लेकिन CCI कन्फर्म कर रहा है थोड़ा नीचे बहुत आना है, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो भी ये स्टोर स्टिक ओवर सोल जोन में आ जाएगा। तो आपको लेना है तो पहले होल्ड करना चाहिए ये रीजन में, और एक सपोर्टिंग लाइन मैंने स्मॉल सपोर्टिंग लाइन आपको ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, ये इधर देख सकते हैं आप, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन। तो आपको अगर बाय लेना है तो आप 100 और 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही बाय लेना है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं किया तो मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको बाय लेना है प्रीवियस हाई
सो आप देख सकते हैं पीबीएस हाई अराउंड 5667, तो आपको बाय अगर लेना है तो अराउंड 5680 का ऊपर में बाय जा सकता है, ठीक है। और अभी तो एंट्री करने का कोई सिग्नल टूट गया नहीं यहाँ पे, तो आप पहले इसको होल्ड कीजिए थोड़ा टाइम। अगर ये 5680 या 81 में मिला तो उधर बाय ले सकता है, नहीं तो आप पहले नीचे आने दीजिए मार्केट। यहाँ पे आपको कॉन्फर्म करेगा, जैसे स्टोर्स का भी कॉन्फर्म किया तो फिर से ये आगे सीसीआई भी कॉन्फर्म करेंगे। जैसे सीसीआई मैंने कल बताया था आपको कॉन्फर्म करेगा रिटेस्टमेंट देने का बाद, तो आप देख सकते हैं ये कल कंटिन्यूअसली मार्केट आ रहा है। सीसीआई थोड़ा यहाँ पे कॉन्फर्म दिया था, बाद में थोड़ा मार्केट आ गया, नेक्स्ट हमें कॉन्फर्मेशन मिला था ये कैंडल में, ठीक है। ये कैंडल तो यहाँ पे आपको सीसीआई कॉन्फर्म दिया था, फिर भी इधर देख सकता है जो कैंडल है इसका वेरी स्मॉल कैंडल दैट वन, सो देयर आर नो वॉल्यूम एट दैट टाइम। सो नेक्स्ट कैंडल यू कैन सी हियर राइट हियर, तो यहाँ पे देख सकता है ये वॉल्यूम कैंडल का वॉल्यूम से यहाँ पे कॉन्फर्म किया 50 और 100 को तोड़ के, तो यहाँ पे कॉन्फर्म किया हमें बाय करने के लिए राइट यहाँ पे 200 के आसपास। तो ऐसे ही एक सिग्नल मिलेगा अगर मार्केट नीचे आया तो सीसीआई भी नीचे आके फिर से जीरो लेवल क्रॉस करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल अगर मिला तो यहाँ पे आप बाय जा सकता है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।